છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં 40,600 થી વધુ મહિલા સંબંધિત ગુના નોંધાયા છે, જે ગુજરાતમાં ચિંતાજનક બાબત છે. સમગ્ર દેશમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 18,57,832 મહિલા પર અત્યાચારના ગુનો નોંધાયા. ભારતમાં સતત મહિલા વિરુદ્ધ ગુનાઓ વધી રહ્યા છે. ભાજપ શાસનમાં 9 વર્ષ બાદ પણ આંકડા પ્રમાણે હજુ પણ મહિલા વિરુદ્ધ ગુનાઓ અવિરત વધ્યા છે. तो सूरत में पण दिल्ली में बनेली चकचारी हत्याना घेरा प्रत्याघात जोवा मळ्या. सूरत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरोपी साहिल उर्फे सरफराजनू पुतळू दहन करवामां आव्युं. सूरत में सेटेलाइट विस्तार में एबीवीपीए भारे सूत्रोच्चार करी हत्यानो विरोध कर्यो. किशोरीनी हत्या करनार आरोपी ने फांसीनी सजा आपवामां आवे तेवी मांग पण करवामां आवी. सुरेन्द्रनगर जिला भाजपे महाजन संपर्क अभियान प्रारंभ कर्यो छे. 9 वर्ष में करेला तमाम कामों की विकास गाथा लोको सुधी पहोंचाड़वा भाजपे प्रयास कर्या, जेना भागरूपे आगामी एक महीना सुधी भाजप जन संपर्क कार्यक्रम आयोजन कर्यु छे. जिला में बूथ लेवल थी लईने तालुका कक्षाए जिला कक्षाए अने विविध सम्मेलनों छे तेनुं आयोजन करवामां आवशे. केन्द्रीय मंत्रीओ थी लईने धारासभ्य अने भाजपना कार्यकर्ताओं की हाजरी में विविध कार्यक्रमों योजाशे. नर्मदाना नीर रोड रस्ता रेलवे हाईवे मार्ग तेमज 370 की कलम हटावी कोरोना में फ्री वैक्सीन टेक्नोलॉजी और सामाजिक कल्याण की पहल थी लाखों लोगों को सशक्तिकरण सहित कार्यों छे ते लोगों सुधी पहुंचाड़वाना प्रयास कराशे. केन्द्रनी भाजप सरकार 9 वर्ष की उजवणी भागरूपे आज थी भाजप द्वारा जनसंपर्क अभियान की शुरूआत करवामां आवी छे. आगामी एक महीना सुधी भाजप विविध कार्यक्रमों द्वारा सरकार की सफलता गणाशे. तो त्यारे दमणना प्रभारी मंत्री जीतूभाई वाघाणीए कह्युं हतुं के कोंग्रेस सरकार 66 वर्ष शासन सामे भाजपना 9 वर्ष शासन में थयेला कामों की सिद्धि गणावामां आवशे. एशियानी सौथी मोटी बनास डेरी में 2 जून थी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की चूंटणी योजाशे. प्रथम टर्म में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 2.5 वर्ष की मुदत पूर्ण थता आगामी 2.5 वर्ष माटे नवा चेयरमैन की वरणी करवामां आवशे. जो कि सहकारी क्षेत्रे पण मेंटेड फाळवानी सरकारी आगेवानों ने भाजपनुं मेंटेड मेळवानुं लॉबिंग शुरू थयुं होवानी पण चर्चा छे. हाल बनास डेरी चेरमेन शंकरभाई चौधरी और वाइस चेरमेन बाबाभाई रबारी छे. महत्वनुं छे कि 2 जूनना दिवसे पालनपुर प्रांत अधिकारी की हाजरी में चूंटणी प्रक्रिया करवामां आवशे. गुजरात शिक्षण बोर्ड धोरण 12 साइंस और धोरण 10 परिणाम जाहिर थई चुक्यू छे. धोरण 10 परिणाम में राज्य तमाम परीक्षा केन्द्रों छे, तेमां सूरत केन्द्र सौथी वधु 74.45% सौथी वधु 1,289 ए ए ग्रेड साथ सतत त्रीजा वर्षे ए ग्रेड अने टकावारी में मोखरनुं स्थान हासिल कर्युं छे. जो कि गत वर्ष करता परिणाम 0.5% ओछुं आव्युं छे. तो अने एक वन ग्रेड छे ते 50% विद्यार्थियों ने ऊंचा आया है. ज्यारे 12 साइंस की बात करिए तो तेरा राज्य में 65.58% परिणाम नोधायु छे. हवे धोरण 12 सामान्य पर्वानुं परिणाम आवतीकाले सवारे जाहेर थशे. सुरेन्द्रनगर 80 फूट रोड पर पुलिस मथक में जगह फाड़वता धार्मिक स्थल है तोड़ी पाड़ी जेना विरोध में स्थानिक लोगों रेली योजी सूत्रोच्चार साथ जिला कलेक्टर ने रजूआत करी. पालिकाए ठराव करी पुलिस मथक ते बनावा माटे जग्या फाड़वी छे. तो जे जग्या पर स्थानिक लोके धार्मिक स्थल उभू करी देवामां आव्युं हतुं तो जेथी तात्कालिक ठराव रद्द करी जग्याने यथावत राखवा लोकोनी मांग उठी छे. स्थानिक महिलाओं ने आगेवानोए कलेक्टर कचेरी पहोंच्या हता अने पुलिस मथक माटे फाड़वेली जग्यानो ठराव रद्द करवा मांग करी हती. तेमज ठराव रद्द न करवामां आवे तो उग्र आंदोलननी चीमकी पण उच्चाराई. तो राज्य में आगामी 5 दिवस ने लईने हवामान विभागे आगाही करी छे. आगामी 24 कलाक गुजरात में गाजवीज साथे वरसाद पड़वानी शक्यता छे. आवतीकालथी वीजळी अने भारे पवनना कारणे वरसाद रहेशे. तो वेस्टर्न डिस्टर्बन्स रफ अने राजस्थान सिस्टम सक्रिय थवाथी वरसादनी आगाही कराई छे. उत्तर गुजरातना जिल्लाओमां वरसाद रहेवानी शक्यता छे. मोटा भागना जिल्लाओमां 40 डिग्रीथी नीचे तापमान रहेवानी संभावना. अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशने चौमासाने ध्यानमां राखी आगामी 1 जून सुधी शहर में चालता तमाम खोदकाम पूर्ण करवानी सूचना आपी हती. त्यारे हजू पण विविध जग्याए खाड़ा जोवा मळे छे. चौमासा दरमियान करेला खाड़ाओं में जे मौत समान साबित थाय छे. चांदखेड़ा बोड़कदेव जोधपुर वस्त्रापुर सहित विविध 20 जग्याए युटिलिटी नाखवानी कामगीरी चाली रही छे. वरसाद पहेला पूर्ण थशे के केम ते मोटो प्रश्न छे.
अमदावाद में भाईपुरा हाटकेश्वर वोर्ड में ईश्वर कृपा फ्लेट पासे सब जोनल कचेरी रोड पर रस्ता पर पार्क करेला वाहनों पास थी दंड वसूली कार्यवाही करवामां आवी हती। वहली सवारे एएमसी ना एस्टेट विभागे दबाण की गाड़ी आई तो साथ आई कर्मचारी कार और मालवाहक ने जे लॉक मारी दीधा था तेमज आसपास लोगों ने वाहनों रस्ता पर न मुकवानी सलाह आपी हती। साबरकांठा तलोद मोड़ासा रोड पर ताजपुर पास भारे वावाजोड़ फूंकाता हाईवे पर जती कार छे तेना उपर वृक्ष पड़ू। विशाल वृक्ष धराशायी थईने कार उपर पड़ू। रोड पर वृक्ष पड़वाथी ट्राफिक जामना दृश्य सर्जाया। घटना बाद लोकोना टोड़े टोड़ा एकठा थया हता। अरवली मोड़ासा पंथक में भारे पवन फूंकायो। मोड़ासा टिंटोई ईसरोल जीवनपुर सहित ग्राम्य विस्तारों में वातावरण में पलटू जवा मळ्यु। तीव्र गति मिनी वावाजोड़ाथी लोकोना जीव ताड़वे चौटी गया कारण के बे दिवस अगाऊ आवेला मिनी वावाजोड़ाने कारणे अनेक मकानोना पतरा उड़िया हता तो साथे ज पालतू पशुओना मौतना पण बनाव बन्या। अरवली जिल्ला में फरी एक वक्त भारे पवन साथ वावाजोड़ू फूंकाता नुकसानी दृश्य सर्जाया जेने कारणे मोड़ासा मालपुर रोड पर वृक्ष और जिला कोट पासे वीजपोल धराशाय थयो तो बायड तालुका पंथक में काचा मकान पतरा पण उड्या हता। पिलोड़ा पंथक में कमोसमी वरसादी माहौल सर्जायो। सतत त्रीजा दिवसे अरवली जिल्ला वातावरण में पलटो यथावत छे। राजकोट शहर में सतत बीजा दिवसे वातावरण में पलटो आव्यो। राजकोट शहर में भारे पवन ने कारण धूळनी डमरीओ उड़ी। सतत बीजा दिवसे वातावरण में पलटो आवाथी गर्मी में आंशिक राहत मिली छे। साबरकांठा जिल्ला में फरी भारे पवन फूंकाय। वावाजोड़ा जेवा दृश्य सर्जाया। हिम्मतनगर रामपुर चौकड़ी रस्ता पर भारे पवन फूंकावाने कारण वृक्षों धराशाय थया। धूळनी डमरीओ उड़ता वाहन चालकों ने हालाकी वेठवी पड़ी। समग्र जिल्ला में वृक्ष धराशाय और वीज पोल पड़ी जवाना बनाव पण सामे आव्या छे। वावाजोड़ाने कारण जनजीवन पण अस्तव्यस्त थयुं हतुं। बनासकांठा डीसा में हजू पण वावाजोड़ानी असर यथावत रही छे। वावाजोड़ाने कारणे ग्रामीण विस्तारों में 100 थी वधु वीजपोल धराशाय थया जेने कारणे 7 गामडाओं में 40 कलाक बाद पण वीज पुरवठो बंद जोवा मळ्यो। वीज पुरवठो बंद रहता ग्रामजनों अने पशुओने पीवडावानुं पाणी छे तेने लईने समस्या सर्जाय। यूजीवीसीएल तात्कालिक वीज पुरवठो शुरू करवामां आवे तेवी मांग करी हती। बनासकांठा धानेरा में भारे पवन ने कारण नुकसान थयुं। धानेरा मालतुरा गाम में मामेरा प्रसंग में बांधेला मंडप उड्यो। भारे पवन साथ वरसाद आवता प्रसंग में आवेला लोको में अफरातफरी माहौल सर्जायो। जो कि रसोई सहित तमाम वस्तुओं बगड़ता मोटू नुकसान थयुं हतुं। गांधीनगर में भारे पवन ने कारण विधानसभा गुंबज पतरू उड़ी गयु तो गुंबज पर पतरू उड़ी साइड में पड़ू। जयरे नवी विधानसभा शुरू थी तरह पिलर पर पत्थर नीचे पड़ो। जो कि गुंबज पतरू उड़ता कोई ने नुकसान थू नहीं। गांधीनगर में वहली सवार वातावरण में एकाएक पलटो जवा मब्यो। अचानक वातावरण में भारे पवन साथ धूल की डमरी उड़ी जेने कारणे राहदारीओ अने वाहन चालकों ने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। रोड रस्ता पर रहता लोकोने पण भारे मुश्केली वेठवी पड़ी। तो आ तरफ पाटण पंथक में पण सवारथी ज वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो। चोमासु बेठू होय तेम भारे वरसाद वर्ष्यो हतो। पाटणवासीओ फरी एक वखत मिनी वावाजोड़ानो अनुभव करी चूक्या। बनासकांठा पंथक में छेल्ला बे दिवसथी वरसादी माहौल जोवा मळी रह्यो छे। डीसा पंथक में आजे पण वावाजोड़ू रह्यू अने वरसाद पण जोवा मळ्यो। फरी एक वक्त कमोसमी वरसादने कारणे बाजरी सहितना पाकोने नुकसानी भीति सेवाई रही छे। भर उनाळामां चोमासा जेवो माहौल सर्जाता खेडूतो चिंतित बन्या छे। बनासकांठा सरहदी पंथक में कमोसमी वरसाद यथावत रह्यो छे। तोफानी पवन साथ सतत बीजा दिवसे पण वरसाद खाबक्यो। वाव थराद सहित विस्तारों में भारे पवन साथ वरसाद वरस्यो। सतत वरसाद ने कारण खेडूत ने उनाळु बाजरी पाक में मोटू नुकसान थवानी भीति छे। मांगरोळ तालुकाना स्कूल बिल्डिंग
जे रियालिटी चेक करता कामगिरी में लूट पाणी ने लाकड़ा जेवो घाट सर्जायो। मांगरोळ तालुकाना आजक फरंगडा सहित गामों में स्कूल बिल्डिंग बांधकाम शुरू करवामां आव्युं छे, परंतु शाला बिल्डिंग कामों में हल्की गुणवत्तावाड़ा पत्थरो और धूळवाळी रेती वपराती होवानो आक्षेप लाग्यो छे। समग्र मामले तात्कालिक उच्च कक्षाए तपास करवानी मांग पण उठी छे। राजकोट में आवेले सौथी जूना अरविंद मणियार आवासना डिमोलिशन की कामगिरी शुरू थई छे। महापालिकाए बिल्डर ने पीपीपी धोरण पर आवास रीडेवलपमेंट माटे आप्या छे, जो के वर्षोथी रहता लोको छे, तेमने आवास खाली न करता विवाद उभो थयो। आवास जर्जरित होवाथी ते खाली करवा माटे नोटिस पण आपी दीवाई छे अने हवे पुलिस ने साथे राखीने जर्जरित आवास छे तेने तोड़वानी कामगिरी शुरू करवामां आवी। घटनास्थले कोर्पोरेशन अधिकारी पुलिस कर्मचारी उपस्थिति में जेसीबी द्वारा आवास तोड़वानी कामगिरी शुरू कराई।